कंडक्टिंग स्पीयर है जिसकी रेडियस आर है, जिस पे हमने चार्ज क्यू दे दिया मेरे भाई, ये हमारे पास स्पीयर है, कंडक्टिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर से भरा है कि खाली है, मेटल का है, कंडक्टर है, और इस पे टोटल चार्ज हमने प्लस क्यू दे दिया, प्लस देना ज्यादा अच्छा लगता है, इसकी रेडियस आर है, पोटेंशियल एंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर। बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक है। अब आपको बेसिक से पता होगा कि अगर कोई कंडक्टिंग स्पीयर है, इसके अंदर तो भैया चार्ज जाता ही नहीं है, मेटल है, होलो है चाहे सॉलिड है, उससे मतलब नहीं है, चार्ज दोगे सरफेस पे रहेगा कंडक्टर के, और अंदर जब चार्ज गया ही नहीं तो अंदर जो है वो जो फील्ड होता है वो जीरो होता है, ये भी आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी से पढ़े होंगे। तो अंदर जो फील्ड जीरो होता है, लेकिन इस स्पीयर के जो पोटेंशियल होती है हर पॉइंट पर, वो जो पोटेंशियल होती है कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू सरफेस के इक्वल होता है यार। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, के क्यू ओवर कैपिटल आर, और यही पोटेंशियल हर पॉइंट पे है, सेंटर पे भी, अंदर पर भी, सरफेस पर भी। मतलब पोटेंशियल तो हो जाएगा के क्यू ओवर कैपिटल आर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, और फील्ड हो जाएगा जीरो, मतलब बी ऑप्शन सही है।